देखो, मैं सोनिया खान और आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत मज़े की रेसिपी, आलू समोसा। आलू समोसा के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, क्वीन ऑफ किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने मैदा लिया हुआ है 2 कप, घी ली हुई हमने 3-4 चम्मच, नमक लिया है 1 चम्मच, जायके के मुताबिक आपने डालना है, ज़ीरा लिया है हमने 1 चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले हमने ज़ीरा और नमक ये हमने डालना है और जो घी है वो इसमें ऐड कर देना है। हमने अपने हैंड्स की मदद से इसको हमने मिक्सचर करना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है और इसको अच्छे से गूंदना है। इसको हमने ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें ऐड करना है। एकदम से पानी आपने नहीं डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके ही, ताकि ये बहुत अच्छे से गूंज जाए। हमारा डो बिल्कुल अच्छे से हमने बना लिया है। अब हमने इसको 20 मिनट फ्रिज में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना के इसको बेल लेने और समोसे बनाने हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट करना है, क्योंकि हमने तमाम पेड़े बना दिए हैं। अब हमने इसको बेलना है और समोसे बनाते हैं। हमने इसको इतना बेल लिया, इस तरह करके हमने सेंटर में इसको कट कर दिया, हाफ कर दिया। इस साइज में बनाना है, इस तरह कर लेना है और जो लेब हमने बनाया है इस तरह करके इसको हमने इस तरह कर देना है। इसके लिए स्पाइसी जो हमने बनाना है हम आपको बताते जाएँ। 1/2 किलो हमने आलू लिए हैं, बंद गोभी ली हमने 1 कटोरी, 2 हमने प्याज ली हैं, सब्ज मिर्ची ली हैं 3 से 4 बारीक काटा हुआ इसको हमने, पुदीना थोड़ा सा लिया हुआ है और सब्ज धनिया, मटर लिया है 1/2 कटोरी और ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। मिर्च मसाले हमने लिए हैं, मिर्च लिए हैं हमने 2 चम्मच, सूखी धनिया पाउडर हमने ली है 1/2 चम्मच, साबुत धनिया हमने लिए हुई हैं 1/2 चम्मच, अनारदाना हमने लिए हुआ है 1/2 चम्मच, नमक लिए हसब ज़रूरत। पहले इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी, प्याज और सब्ज मिर्चें। अब हमने इसमें सब्ज धनिया और पुदीना ये ऐड करना है और ये स्पाइसी जो हमने आपको बताए हैं, इसमें साबित मिर्ची भी हमने 1 चम्मच ली हुई है, साबित ज़ीरा लिया हुआ है हमने 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हमने लिए हुए हैं, नमक जो आपको बताया। अब हमने इसमें पेस्ट डालना है, जो हमने सब टमाटर लिए हैं 2 अदद और उसको हमने उसका हमने पेस्ट बना लिया है और इसमें 1 कटोरी हमने लिए हुए हैं मटर के दाने, ये सब हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हमारा तैयार हो चुका है, अब हमने इसको समोसों के अंदर भरना है। ये हमने समोसे अभी बनाए हैं और ये डो हमने इस तरह चम्मच की मदद से इसको हमने इस तरह भर देना है। जो हमने स्पाइसी बनाए थे हमने इसके अंदर इस तरह ऐड कर दिए हैं। अब इस तरह ये इनके कोने हमने मिलाने हैं, जो हमने मैदे से इसके लिए लिक्विड सा बनाया है इसकी मदद से हम इसको यूं कर देंगे। तमाम समोसे हमने इस तरह बना लिए हैं, इसमें पेस्ट हमने डाल दिया, अब हम इसको तलते हैं। इसमें हमने घी डाल दिया है और अब इसको गर्म करते हैं। गर्म हो चुके हैं, अब हमने आंच बिल्कुल स्लो कर ली है और समोसे बनाए हैं हमने इसमें डाल देने हैं और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। तमाम समोसे जितने इसमें आ सकते हैं हम इतने ही डालेंगे और आंच बिल्कुल स्लो करनी है। ये पकती है, एक साइड से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, कलर आने तक हम कलर आया है हमने साइड चेंज कर दी इसकी।
इसके बाद हम दो तीन मिनट बाद इसके दोबारा से साइड चेंज करेंगे। तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारे गर्मा गर्म समोसे तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए।